तो दोस्तों एक और बड़ी खबर, वो क्या है, वो ये है कि भैया मैं फालतू की बकचोदी तो करूँगा नहीं कि रश्मि देसाई हूँ स्पॉटेड या रश्मि देसाई को ये हुआ ये हुआ, फालतू के नहीं, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे रश्मि देसाई स्पॉटेड हुई है। मतलब यार रश्मि देसाई के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि यार 24 घंटे मतलब 24 आवर्स रश्मि देसाई काम ही काम करती रहती हैं। उसमें जो थोड़ा सा वक्त होता है उसमें से थोड़ा सा वक्त अपने फैंस क्या हैं वो फ्रेंड्स को दे देती हैं, राजीव दातिया, उमर रियाज, नेहा वसीन, मतलब थोड़ा सा इंजॉय करती हैं, बाकी पूरे दिन काम। मतलब यार इतनी ज़्यादा मेहनत काबिले तारीफ है कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा। और वहीं पर यार रश्मि देसाई जो कहते हैं ना, जो बंदे साफ दिल के होते हैं ना, उन्हें यार धोखा ज़रूर मिलता है। जैसे कि रश्मि देसाई को पहले इनके हस्बैंड से मिला, फिर क्या है बिग बॉस 13 में किसी से प्यार हुआ, फिर उससे भी मिला, क्या नाम था उसका, रिहान, उसने भी धोखा दिया। मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत हुआ है रश्मि देसाई के साथ। लेकिन फिर भी कहते ना नेवर गिव अप, उस तरीके के हैं हमारे रश्मि देसाई। मतलब कहते ना जो हुआ सो होने दो, आगे की तरफ देखो। अगर मेहनत करने सीखने हैं तो रश्मि देसाई से ही सीखनी चाहिए, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अपने सपने को बना करके रखना वाकई काबिले तारीफ है। आपको क्या है कहना, क्या किस वजह से अच्छी लगती है आपको रश्मि देसाई, कुछ तो बात होगी, कमेंट करके फटाफट बताएं।